गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जा रही हूँ मैं घास की कटाई करने। और ये देख लीजिए मेरे घर के आसपास का व्यू, और मैं अपने जो है रूटे में घास काटने जा रही हूँ। और ये देखिए हमारा घास कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और मैं रास्ते से जा रही हूँ, और ये जो हमारे घर के पीछे है टावर, देखिए घास काटने जा रहे हैं हम। ये लकड़ियों की ढेर जो इकट्ठे करके रखी होती है, और सर्दियों में इनको जलाते हैं। ये सूखी है पूरे तरीके से। और ये देखिए रास्ते का व्यू। और ये जो है ब्यूल का पेड़ है, और ये नाशपति का। इसमें जो देखो पेड़ पे टंडे लगाए हुए हैं, ऐसे लगाते हैं हम पेड़ पे टांडे। इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं। बारिश वगैरह भी हो तब भी ऐसे ही रहते हैं, पानी जो है साइड से निकल जाता है और अच्छे रहते हैं। और ये त्रिंबल का, और साथ में अखरोट का भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अखरोट का, और ये है कराले। अभी सर्दियों में हम एक कराले, त्रियम्बल वगैरह जो है, ये देखिए कराले, इनको जो है पशुओं को खिलाते हैं। सर्दियों के लिए पत्तों का चारा होता है, सुबह के टाइम हम इनको देते हैं। और ये देखिए त्रियम्बल, इसको भी देते हैं। और जो ये घास रास्ते से मैं जा रही हूँ, ये देखिए रास्ते का व्यू। ये है बान, बान का पेड़। और ये देखिए रास्ते का व्यू। ये जो है दराटी होती है, इसे हम घास काटते हैं। और ये देखिए नीचे लोगों ने जो है अपने खेत तैयार कर दिए है बिजाई करने के लिए, पर अभी बिजाई नहीं की है। और ये देखिए एक कंडीस का पेड़ है, और जगह पर पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसको कंडीश बोलते हैं। और ये अखरोट का, अखरोट हमारे यहाँ पर बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जो है काफल का पेड़, ये काफल का पेड़ है, इसमें काफल लगते हैं। और ये पलम का, और ये केलों का। और ये देखिए नीचे जूम करके दिखाती हूँ, ये मेरी बहन का घर है। इन्होंने मक्की जो है थोड़ी स्लैब पे रखी है, थोड़ी आंगन में रखी है, ये खड के साथ ही है, इसको सुराई खड बोलते हैं। ये देखिए सामने से दिख रहा है, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। और खेत देखो इनके कितने बड़े बड़े खेत हैं, और साथ में ही खड है। और ये जो है वाटर सप्लाई वालों का है, जो बना हुआ है नीचे, यहाँ पे स्टोर करते हैं पानी, और जो इनके पंप ऑपरेटर होते हैं उनको रहने के लिए बनाया हुआ है। और ये है इनके खेत, ये इनका रोड है, और उधर से जो ऊपर वाले मेन रोड में है, ये दुकान है, एक दुकान है यहाँ पे। और ये देखिए काफल का पेड़, इसमें बहुत ही अच्छे काफल लगते हैं। ये देखिए ये जो उधर है, ये इन्होंने नया घर बनाया है, जूम करके दिखाती हूँ मैं। बच्चों को जो है स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इन्होंने खट से वार जो है दूसरा घर बनाया, क्योंकि बरसात में अभी तो कोरोना है, बरसात में ऐसे और दिनों में खट आती थी, तो बच्चों को इनको बड़े दूर से ले जाना पड़ता था, इसलिए इनकी वहाँ पर ज़मीन थी रोड के साथ, तो इन्होंने वहाँ एक घर बना दिया। और इनके घर के पास भी टावर है। फाइनली जहाँ हम घास काट रहे हैं वहाँ पहुँच गए। ये जो पदाड़े का पेड़ है, पेड़ क्या है, पौधा है। और रिया नीचे काट रही है, मोहित है इसके पापा है। और ये देखिए इकट्ठे करके रखते हैं हम इनको, और जुट्टी बनाते हैं। ये मैं आपको बाद में कैप्चर करके बताऊँगी। देखिए ऐसे लाइन में लगेंगे हम सारे घास काटने के लिए। और इस जगह का नाम खुनागढ़ है। और यहाँ पर देखो चील के बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, और
ये देखिए माता का मंदिर है हमारी कोयला माता का, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। और इसके साथ में जो है उधर जो है सुरा गांव है, क्लियर। ये देखिए ये है सुरा गांव, और ये पीछे जो है घाट लोठार वगैरह है, और ये घर बन रहा है। ये देखिए बीच बीच में लोगों ने जो है अपने रूटों की कटाई कर दी है घास की, और ये देखिए बीच बीच में, और हम भी कर रहे हैं। ये देखिए हमने भी थोड़ा सा ही काट दिया है, और ये देखिए ये जो है मैं यहाँ घास काट रही हूँ, और घास काट रही हूँ, ये मैंने कासा कर दिया है, और मैं अब पुला बांधने जा रही हूँ। ये देखिए ऊपर रिया जो है ऊपर ले जा रही है कैमरा, यहाँ पर इसके पापा डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये देखिए मोहित, इसको बड़ी हंसी आ रही है कि ये पापा क्या कर रहे हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पे लौकी की सब्जी। ये जो है मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, आग मैंने जला दी थी पहले ही, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया और जीरा मिक्स। और इसके बाद ऐड करूँगी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। ऑयल मेरा बहुत गर्म हो चुका है, अब मैं ऐड ऑन करूँगी इसमें प्याज। प्याज भी मैंने पहले काट के रख दिया था, ये है प्याज, और साथ में मैंने और मसाला ऐड किया है इसमें। और मैं प्याज डालूँगी, प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। अब मैं ऐड करूंगी इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तड़का मेरा हो चुका है, अब ऐड करूँगी मैं इसमें टमाटर। टमाटर को मैंने बीच में किया है, काट के किया है, और इसको मैं तब तक पकाऊँगी तब तक ये तेल न छोड़े। और अब ऐड करूँगी मैं इसमें नमक, नमक डालने से जो है ये टमाटर जल्दी पिघल जाता है। अब मैंने टमाटरों में जो है तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी लौकी जो मैंने पहले काट के रखी हुई है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी लौकी। तेल सिंपल घरेलू तरीका है गाँव में बनाया जाता है, उनके कलर कितना अच्छा आ गया है। अब मैंने अच्छे से इसको मिला दिया है, अब मैं इसको छोटी आंच पे जो है लगने दूंगी। छोटी आंच का मतलब चूल्हे में जो है जो आग जलाई है मैंने इसको थोड़ा कम कर दूंगी, और इसमें इसको पकने दूंगी, तब इसका टेस्ट अलग से आता है। अगर मैं इसको तेज आंच पे पकाऊंगी तो ये सब्जी नीचे लग जाएगी और इसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आएगा। इसको मैं मीडियम आंच पर पकाऊंगी। ये होगी मेरी सब्जी बनकर तैयार, अब करूंगी मैं इसकी प्लेटिंग, और इसके साथ डालूंगी मैं ताज़ा जो हमारा मक्खन लगा हुआ है वो। आइए खाना खाते हैं, थैंक यू सो मच।